ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ट्रेन हादसे पर सवाल उठाए हैं। मृतकों की संख्या को लेकर ये सवाल उन्होंने उठाए और कहा है कि मृतकों की संख्या को लेकर गुमराह कर रहा है केंद्र। इतिहास बदलने वाले कुछ भी बदल सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, ये पूरी तरह से नेग्लिजेंस है। कभी संसद भवन और कभी अपने नाम पर स्टेडियम, जो खर्चा आप लोगों ने किया वो ट्रेन पंचायत बेरोजगार को नहीं दिया। हादसे में पश्चिम बंगाल के, आपको बता दें, 62 लोगों की मौत हुई है। ये ममता बनर्जी का कहना है। उनका कहना है कि राज्य में 206 लोगों का इस समय उपचार चल रहा है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल को लेकर उनकी बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल के 73 लोग उड़ीसा के अस्पतालों में भर्ती है। 182 लोगों की पहचान अभी भी बाकी है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लापता लोगों की पहचान में 10 दिन का समय लगेगा। स्थिति इस तरह की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मृतकों की संख्या है उसे छुपा रही है केंद्र सरकार, और ये भी स्पष्ट किया कि ये नेग्लिजेंस का ही नतीजा है। आपको बता दें, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस पर भी निशाना ममता बनर्जी ने साधा है। उनका कहना है कि जिस तरह से नई नई भवन और अलग अलग चीजों का अगर उद्घाटन किया जाता है, उसमें पैसा लगा दिया जाता है, वो पैसा